वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक समेत 300 अफराद नामजद। FIR में कार सरकार में मुदाखलत और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। इकदाम कत्ल, जान से मारने की धमकियां, रोड ब्लॉक करने की दफात शामिल। मुकदमा SHO थाना हडियारा हमास हमीद की मुदयत में दर्ज किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात, 30 सितंबर से जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल हैं। बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशीर हासिल कर चुके। उनके वालिद गुलाम मोहम्मद भी फौज में खिदमात अंजाम दे चुके। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम था। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात में नाकाम रहा। मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी। PTI फरीक नहीं थी, जजेस ने तस्लीम कर लिया। ताहम लिखा कि अदालत तकनीकी मामलात की मोहताज नहीं होती। इलेक्शन रूल्स की शिक 94 को गैर आइनी करार देते हुए कलदम करार दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुकम्मल ना हो तो पहली बॉडी को तस्लीम किया जाएगा। तफसीली फैसले में साथी जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन पर शदीद और गैर मामूली तनकीद। दो जजेस ने नशिस्तों पर अक्सरियती फैसला न मानने की हिदायत की। जस्टिस नईम और जस्टिस अमीन की हिदायत मनसब के मुनाफी है। उनका यह इकदाम इंसाफ की फरामी और अदालती कार्रवाई में रुकावट है। 70 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। तहरीके इंसाफ सियासी जमात है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए आनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती। जस्टिस याहिया आफरीदी का 26 सफात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट। इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करे। इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज के अंदर अगर आप आजाद हैसियत से मुंतखब होके आए हैं तो 3 रोज के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है, और वो इर्रिवर्सिबल है आप कानून के तहत कि इस फैसले ने जो कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट ने अपना लेजिस्लेशन का कानून साजी का हक इस्तेमाल करते हुए उन पे किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं है। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है, और अदालती फैसले जो हैं उनको जो पार्लियामान की कानून साजी है लेजिस्लेचर की तरफ से बनाया गया कानून वो उन फैसलों पे फायक होगा। एक तरफ पार्लियामेंट का कानून और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब इसका हल क्या है कुछ कहा नहीं जा सकता। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तफसीली फैसले पर रद्दअमल, कहा पार्लियामेंट की कानून साजी अदालती फैसलों से बालातर है। PTI फरीक नहीं थी, सवालात पहले की तरह मौजूद है। नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी है तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। जो के कैंडिडेट जीत चुके हों या आजाद कैंडिडेट उस पार्टी को ज्वाइन कर चुके हों, सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है। हमारे सारे कैंडिडेट जिनके सब कुछ एफिडेविट इलेक्शन कमीशन में फाइल है उसके बेस पे हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करें। बैरिस्टर गौहर का मखसूस सीटों का ऐलान जल्द करने का मुतालबा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजबूत किया। तमाम उम्मीदवारों के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन के पास जमा है, MNS के नोटिफिकेशन जारी किए जाए। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी नजरें इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन का 5वां मुशावरती इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। कानूनी माहरीन से मजीद मुशावरत होगी, बैठक आज फिर लगेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह का ऑर्डिनेंस के तहत कायम कमेटी में शमूलियत से इनकार, जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का कमेटी को खत, ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजमी करार नहीं देता। ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। कमेटी की बहाली तक मीटिंग में नहीं बैठूंगा।
सुप्रीम कोर्ट में 63A नजरसानी दरखास्तें और ऑडियो लीक के समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। ऑडियो लीक केस के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह ऑडियो लीक केस के बेंच की सरबराही करेंगे। बानी ने अहलिया के लिए ज्वेलरी सेट इंतहाई कम कीमत पर लिया, तहाइफ में खयानत की और खजाने को नुकसान पहुंचाया। बानी ने 3,28,00,000 से जायद का नाजायज फायदा उठाया। एफआईए का तोशाखाना 2 केस में जिमनी चालान सामने आ गया, आइंदा समाज पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। डे ऑफ सेलिब्रेशन नॉट ओनली फॉर द सऊदी अरेबिया बट ऑल्सो फॉर पाकिस्तान आर टू नेशंस शेयर a brotherly bond deeply rooted. It is remarkable to witness the remarkable progress Saudi Arabia has made in the various sector under the visionary leadership of His Majesty the King Salman bin Abdul Aziz and Crown Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz. Saudi Arab ke qaume din par Islamabad mein khususi taqreeb, cake kaata gaya। सदर आसिफ अली जरदारी, विफाकी काबीना अरकान, वजीर आला मरियम नवाज और सूबाई गवर्नर्स की शिरकत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरादर इस्लामी मुल्क से मजबूत दोस्ती का इरादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अलमालकी से मुलाकात। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुबारकबाद दी, कहा सऊदी अरब ने हर आजमाइश पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, मुश्किलात में सऊदी ताबुन की नजीर नहीं मिलती। वजीर आजम शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर लंदन से अमरीका चले गए, जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे, फलस्तीन और कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। चीनी सदर की शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद, चीन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक ताबुन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आला मरियम नवाज ने जाती उम्रा आमद पर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया। वजीर आला मरियम नवाज की चीन के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के कौमी तराने बजाए गए, चीनी फनकारों ने सकाफती फन का मुजाहरा किया। मरियम नवाज की चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरिन से मुलाकात। मरियम नवाज और जाओ शेरिन ने सालगिरह का केक भी काटा। हुकूमत ने हमारे साथ बाकायदा एक तहरीरी एग्रीमेंट किया, आज उस एग्रीमेंट के 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं और कल इंशाल्लाह मैं आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा और ये ऑप्शन भी मौजूद है और जो बहुत अहम है कि बिल आखिर हम आवाम से अपील करें कि अब वो बिजली के बिल अदा नहीं करेंगे। के इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इस माफिया को लगाम देनी पड़ेगी। हुकूमत से मुआहदे की मुद्दत खत्म, जमात इस्लामी की सड़कों पर आने की तैयारी। हाफिज नईमुर रहमान का आज लाहेमल देने का ऐलान, कहते हैं आखिरी ऑप्शन अवाम को बिजली का बिल जमा न कराने की अपील होगी। के इलेक्ट्रिक को माफिया करार देकर इसका खात्मा नागुजीर करार दे दिया। मंशियात जैसी जो लानत इस वक्त हमारे नौजवान नस्ल को और हमारे मुल्क को खाए जा रही है, उसके खिलाफ पूरी असेंबली एक आवाज है और कोई भी शख्स जो मंशियात में मुलव्वस होगा, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी जो है वो बासर क्यों ना हो, इंशाल्लाह इस कानून के बाद वो शख्स नहीं बच सकेगा। सिंध में मंशियात फरोशों को सजाएं देने के लिए खुसूसी अदालतें कायम होंगी, 6 माह में मुकदमात का फैसला सुनाया जाएगा। सिंध असेंबली ने इंसदाद मंशियात एक्ट 2024 तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। शिरजील मेमन कहते हैं मंशियात के काले धन से बनने वाली जायदाद जब्त की जाएगी। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की हंगामी लैंडिंग, तैयारे के कार्गो कैबिन में धुएं की तला पर बहफाजत लैंडिंग की गई, मुसाफरों को इमरजेंसी स्लाइडर के जरिए निकाला गया। इस्लामाबाद की मांगला पहाड़ियों पर कायम मुनाल रेस्टोरेंट मिसमार कर दिया गया। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने मुनाल की जगह नए मंसूबे का इंदिया दे दिया।
हुकाम का कहना है कि कंक्रीट का जंगल खत्म करके सरसब्ज जंगल बढ़ाएंगे। इसराइल के लेबनान में 300 से ज्यादा हमले, सिर्फ आधे घंटे में नतबिया पर 180 मकामात पर बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 270 अफराद शहीद, हजार से ज्यादा जख्मी हो गए। लेबनान के शुमाली और जनूबी हिस्से में एक ही वक्त पर धावा बोला गया, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा में इसराइल की 2 स्कूलों पर बमबारी, 7 फलस्तीनी जान से गए, 24 घंटे में 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। अमेरिका का इसराइल लबनान कशीदगी, मुकम्मल जंग में तब्दील होने का खदशा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि इसराइल लबनान कशीदगी चंद रोज में बहुत बढ़ चुकी, फौजी कशीदगी में इजाफा इसराइल के हक में बेहतर साबित नहीं हो सकता। पासदाराने इनकलाब के कमांडर्स को भी हिजबुल्लाह की तरह निशाना बनाए जाने का खदशा, ईरान में पासदाराने इनकलाब के अरकान के मौसलाती आलात के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। ईरान में तमाम मौसलाती आलात की जांच पड़ताल, मिसाइल साइट्स पर सिक्योरिटी में गैर मामूली इजाफा, पासदाराने इनकलाब गार्ड्स के एहलकारों की मुकम्मल छानबीन जारी। और पंजाबी के शेक्सपियर किस्सा हीर रांझा के खालिक सूफी बुजुर्ग वारिस शाह के उर्स की तकरीबात जारी, शेखपुरा में मजार पर अकीदतमंदों की हाजिरी, मजार को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया।